नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जहां हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और पारा नीचे गिर रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी पहाड़ी इलाकों जैसी हालत है। तापमान में गिरावट आ रही है, जिसके कारण सर्दी और गहरी धुंध बढ़ती दिखाई दे रही है। सर्दी और धुंध के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धुंध के कारण यातायात और रोजमर्रा के काम काज भी प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, और वहीं वाहन चालकों और सुबह काम पर जाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तापमान में लगातार चल रही गिरावट के कारण सर्दी और धुंध ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर जिला गुरदासपुर की बात करें, तो पिछले एक हफ्ते से धुंध और सर्दी ने जिला गुरदासपुर को भी अपनी चपेट में ले रखा है। आम जनजीवन धुंध के कारण काफी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि इस धुंध के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। इस धुंध के कारण वाहन चलाने में तो मुश्किल हो ही रही है, साथ ही एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि सर्दी के कारण रोजमर्रा के कामकाज करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि सर्दी से कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है और वो मंदी की मार झेल रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ठंड का खास करके बिजनेस से बड़ा भैड़ा असर पाया था भाजी। दुकानदारी खराब हो गई है। अभी भी सवेरे आके तो अग बाल के बैठे रही था। गाहक पिंडा चो गाहक कस्टमर घट निकल रहे, तो व्यापार भी मंदा है। तो कुछ खंड ठंड जरूरत तो ज़्यादा अरक पी है, जरूरत तो ज़्यादा। खास करके जोड़े छोटे बच्चे ने जहाँ ठंड ज़्यादा इफेक्ट करती है, परवाह नहीं करते। माँ प्यो नु चाहिए कि बच्चों की थोड़ी निगरानी ज़्यादा कर, थोड़ा ध्यान रखन बच्चों का, ता कि उन्होंने ठंड तो बचाया जा सके। सर बहुत ज़्यादा पै रहा जी, काम करते ही जाइए वा, तो बहरों पैसा वट के नहीं आईदा, तो ना बहर कोई निकलता पाया सर ठंड में। तो बाकी सारे लोग रजाइया लैके अपने अपने घर बैठे ने, अग का से अग सारे सेकते पे ने। कारोबार तो बहुत ज़्यादा असर पैरा पै गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड का। तो अगर सेकन डे गाहकी शाकी दुकानदारी कोई नहीं, चाह पी जाने, तो बहुत ठंड का माड़ा हाल है। तो कारोबार से गाहक बाजार से गाहक है नहीं गा। ठंड ना बुरा हाल है जी, बुढ़िया बंद बहुत बुरा हाल जी। हाथ पैर बींगे होंगे जाते हैं, तो अग सेकने तो चाह पी रहे हैं। कम कार कोई नहीं जी, लोग अगर सेकते पे, गाहक कोई है नहीं, तो अग दे नाल ही गुजारा करते पे जे। या चाह पी जाने तो या अग सेकी जाने, बाजार खाली ने, कोई गाहक नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ठंड बहुत चल रही है। सवेरे नियर अबाउट 3 डिग्री टैंपरेचर सी। अग को उठन का है नहीं कि दुकान पर जाके बैठी है, और बाजार से गाहक करके कुछ नहीं है। ठंड सर बहुत ज़्यादा पै रही है, यदा बिजनेस उत्ते भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पै रहा है। कोई कस्टमर नहीं घरों निकलता इन्नी ठंड के, इन्नी ठंड के बच्चों को बजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए। बाकी दुकानदारी इस चीज़ का बहुत बुरा असर पाया। काफ़ी दिनों तो बिजनेस बहुत ज़्यादा मंदे के जा रहे हैं, क्योंकि गाहक इन्नी ठंड के घरों नहीं निकल रहा। हाँ जी, बहुत मंदा जी, बाजार से कोई गाहक नहीं है। बस वेले आके बैठे चल जाइए, गाहक आंदा वा अग उग सेक के चल जाते, चल जाइए। बहुत मंदा वा, इन्नी ठंड 15-20 दिन हो गए। जी ठंड घट्टो घट कई साल पाया, यहो जी जरा माहौल वेखन मिलया वा। कई दिन तो सूरज देव के दर्शन होने नहीं मिलन डे दे। इतों तक कि असी जे मनुष्य जोड़े व इंसानी जीव जे असी अपना जरा वा ठंड तो बचा करने वास्ते बहुत सारे कपड़े कुपड़े गर्म कपड़िया का इस्तेमाल करने, इतों तक कि अग बाल के भी सेकते हैं। पर जोड़े बेजुबान जानवर ने, पक्षी हो गए या होर जानवर ने जोड़े, उन्हों का जोड़ा भी बड़ा ख्याल रखना साढ़े मनुष्यों का फर्ज बनता वा। तो उन्होंने बचाओ, क्यों ठंड बहुत ही है। सैलसीयस जोड़ा वा जो माइनस जान की संभावना तो आया जा वा, बहुत घट जो तापमान है जोड़ा थले आ गया वा, 7-3-2 इतों तक भी वेख चुके हैं। तो ठंड के उत्तों बचना चाहिए वा, वो तो वह गर्म कपड़िया का इस्तेमाल करो। तो मैं अपने शहर वासी होने के नाते जोड़े व्डे जोड़े साढ़े प्रशासन ने जर जे कोई पैसों तो थोड़ा जहा अमीर ने, उन्होंने एक मैं कहंगा जोड़िया संस्थावान चलिया ने कि जोड़े बहर जोड़े सड़क पर सौंदते ने, कोई बेसहारा ने, उन्होंने अपने जोड़े
कपड़े या कोई कंबल यहोजे अवस्था के बाहर जोड़े जाते हैं उन्होंने कोई लभदा हो तो उन्होंने देने की कृपालता की जाए। यदा बहुत ज़्यादा असर है जी ठंड का, कारोबार बिल्कुल ठप्प हो जाते हैं, कोई कारोबार नहीं है, मैं बुरी वश कोई घरों निकलता पाया समान वास्ते। वैसे भी मतलब कारोबार बिल्कुल नहीं, सिवाय एक रेडीमेड का काम है, गर्म कपड़े का काम है, वह भी लोगों की मजबूरी है तो खरीद खरीद फरोख्त हो रही है। वैसे तो मार्केट कोई कम नहीं है, तुम देख लो बाजार से बिल्कुल कम सवेरे ठप पिया है। एक गल में चार पाँच छः दिन दस दिन हो गए हैं, हर दुकानदार बिल्कुल फ्री होकर बैठा है, कोई गाहक नहीं बाजार बिल्कुल नहीं है। और यदा जरा ठंड का जो कारण है या सा गर्मी का कारण है, यदा सिर्फ वजह वजह हुई है भी असी लोगों ने आप ही सारा पर्यावरण जरा बिगाड़ता, वो असी कसूरवार हाँ, बेमौसमी बरसात हो रही ने और बेमौसमी ठंड पै रही है। सानू मतलब शहर लोग कहें भी शिमले या डलोजी या धर्मशाला ठंड नहीं है जिनी पंजाब पै रही है। अब पिछले सुने भी मकेरिया भी ठंड पई है, कोई बर्फबारी हुई है, उस वेख्या कोई सीन बुखा रहे नैट के उपर, राजस्थान का कोई जिला है झुंझुनू वो भी बर्फबारी हुई है। ये सारा एटमोसफेयर जरा खुद आप खराब किया और ठंड का जरा असर तो हर पास है, कोई भी घरों नहीं निकल रहा, मतलब मैनू भी कोई मजबूरी तो मैं ही बाहर निकलांगा।